हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मार्ची नार के कालासुन में एक बार फिर से। तो दोस्तों, यह है मारुति वैन की इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ मैं। तो मेरे को लगा कि वीडियो बनाना ज़रूरी है, शायद किसी के काम आ जाएगी, इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों, पहले तो देखो, ये क्राउन है ना, बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा था, मतलब इतनी ज़्यादा आवाज़ कर रहा था कि आप इस गाड़ी को 40 से ऊपर की स्पीड में लेओगे, और ये बहुत तेज़ घूंघाट कर रहा था, यानी बहुत घूंग घूंग, यानी इतनी तेज़ आवाज़ कर रहा था कि रोड पे ऐसा लगता है जैसे ट्रक जा रहा है ना, उस तरीके की आवाज़। तो मैं इसकी मिस्टेक भी बता देता हूँ और इसका मैं आपको मेंटेनेंस भी बता दूंगा। तो पहली बात तो देखो, मैं बता दूं, अगर आपकी गाड़ी में ऐसी कोई भी आवाज़ आती है, देखो ये वीडियो बनाने का मेरा जो मकसद है वो ये है कि अगर आपकी गाड़ी में ऐसी कोई भी आवाज़ आती है और आपको कोई भी मैकेनिक गाड़ी चलाता है, टेस्ट ड्राइव लेता है और यूँ बोलता है भाई इसका क्रॉन पिनियन डलेगा, तो ऐसे में आपको डायरेक्ट पूरा क्रॉन पिनियन ख़त्म नहीं मानना है। पहली बात तो ये, क्योंकि मैं इसलिए बना रहा हूँ, ये जानकारी इसलिए दे रहा हूँ, भाई एक मारुति वैन है, तो मारुति वैन रखने वाला आदमी कोई करोड़पति तो होगा नहीं, एक मिडिल क्लास फैमिली से होगा, और उनके फ़ायदे की वीडियो मैं उसको बता देता हूँ। ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ, मैं उनको बताना चाहता हूँ। तो दोस्तों देखो, अगर आपका क्राउन पिनियन आवाज़ कर रहा है तो आप खुलवाओ, कोई दिक्कत नहीं है। वो यूँ बोले नया डलेगा, उनको भैया चेक तो करो, रिपेयर हो सकता है नहीं हो सकता डायरेक्ट, क्योंकि मैकेनिक क्या होता है, देखो इसको रिपेयर करने का चक्कर, यानी इसमें टाइम बहुत लगता है रिपेयर करने में, इसको बिखेरो, पूरा निकालो, एक एक पार्ट्स अलग करो, फिर इसकी सेटिंग भी होती है, कई मैकेनिक से क्या इसकी सेटिंग बैठती नहीं है, इसलिए वो क्या करते हैं सीधा दूसरा सेकेंड हैंड मंगा के डाल देते हैं, जो आपके 2-4 हज़ार रुपये लग जाते हैं, जो नया तो 11 हज़ार और कोई रुपये का आएगा MGP से। तो मैं बता दूँ ना आपको, अगर आपको क्राउन पिनियन में आवाज़, सबसे पहला फर्स्ट आपको क्या करना है, क्राउन भी नहीं खुलवाना है, सबसे पहला आपको क्या करना है, ये एक्सल खुलवाना है और इसके बेरिंग दिखवाना है। ये देखिए इसका बेरिंग, देखिए इसका बेरिंग भी ख़त्म है, लेकिन इसके क्या क्राउन में भी मैंने चेक किया है सापड़ खोल के पिनियन में, तो उसमें बहुत ज़्यादा चाल थी, इसलिए मैंने क्राउन भी बाहर निकाला है इसका। ये देखिए ये बेरिंग भी ख़त्म है इसका, ये देखिए पूरा, ये देखिए अंदर से देखिए, ये बहुत तेज़ आवाज़ कर रहा है, देखो एक आवाज़ तो इससे भी आ जाती है। इसकी आवाज़ कब आएगी, जब अपन 60-70 की स्पीड में चलाते हैं, और जैसे अपन है ना क्लच दबा लेते हैं ना 60-70 की स्पीड, जब घूंघाट करती हैं तो समझ लीजिए वो बेरिंग की हो सकती है, मतलब 80% या 70% बेरिंग की आवाज़ हो सकती है, इसलिए कभी भी डायरेक्ट क्राउन निकला है पहले बेरिंग चेक कराए, है ना। और दूसरी बात, अगर आपको कोई भी यूँ बोले ना भैया इसमें तो पूरा क्राउन ही डलेगा, तो आपको क्राउन खुलवाना है। अब जैसे मैं बताता हूँ, देखो यह है इसकी पिनियन, अब एक तो पिनियन का ये बेरिंग देखो, ये रहा ये रहा, ये रही इसकी कोण, ये देखिए दोस्तों पूरी कोण इसकी दागी हो चुकी, पूरी ख़राब हो चुकी है, देखिए खड्डे पड़ चुके हैं कोण के अंदर, और ये इसका बेरिंग है, ये देखिए बेरिंगों की भी कंडीशन आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए इनके छर्रे, ये मान के चले बहुत ज़्यादा वो हो गए, इसलिए क्राउन आवाज़ कर रहा था। अब इसका ये दोनों बेरिंग डालूंगा मैं, छोटा भी डालूंगा, छोटा वैसे अच्छी कंडीशन में, लेकिन मैं चेंज करूंगा, ये दोनों बेरिंग ज़्यादातर क्राउन के अंदर, ये दोनों ही बेरिंग वॉइस पैदा करते हैं ज़्यादातर क्राउन पिनियन में। अब देखिए इसमें बाकी सब तो ठीक ठाक है, ये देखिए इसकी चौकड़ी भी ठीक ठाक है, ये बेरिंग भी ठीक है, ये बेरिंग भी ठीक है, बाकी सब कुछ ठीक है। और इस कस्टमर के साथ क्या हुआ, इसको यूँ बताया भैया क्राउन नया डलेगा इसमें, बस सिंपल सी बात है, मैकेनिक को क्या करना है, उनको मजदूरी खोलने की भी मिलेगी और बिखेर का काम करेंगे तो भी उतनी मिलेगी, लेकिन उन्होंने क्या बोला और उन्हें कि भाई इसका नया डलेगा, जबकि नए का ऐसा कोई सीन नहीं है, अपन ये रिप्ले यानी ये सब काम कर कर भी कर सकते हैं। तो मैं यही बताना चाह रहा था, तो मैं फ़िलहाल इसको अभी फिट कर देता हूँ। इसमें देखिए बेरिंग भी बता देता हूँ मैं, कौन सा साइज़ का लगेगा आपको, इसमें बेरिंग लगेगा आपको मैं बता देता हूँ ना, देखिए इसमें लगा 30-30-5, यानी 30-30-5 नंबर बेरिंग आता है, जो पिनियन का बड़ा बेरिंग होता है जो 30-30-5 नंबर आता है, ये ख़राब होने की वजह से ये वॉइस पैदा होती है। तो अभी मैं इसको फिट करता हूँ देखो दोस्तों, तो फिर उसके बाद में मैं इसको लगा कर आपको आवाज़ सुनाता हूँ गाड़ी की। देखो तो मैं ये इन्फॉर्मेशन इसीलिए दे रहा हूँ ताकि आप लोगों के साथ ऐसा कोई भी चीट का काम नहीं हो सके, ताकि कोई भी बिना वजह के यानी एक सिर्फ बेरिंग की वजह से क्राउन नहीं डला आपका, इसलिए हमेशा खुलवा कर इस चीज़ों को चेक करवाना है सबसे पहले। तो अभी मैं इसको फिट करता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये क्राउन पूरा कंप्लीट है, अब ये देखिए इसमें देखिए आपको कुछ भी नया दिख रहा है, ये देखिए ये भी पुराना है, ये भी पुराना है, ये भी पुराना, ये भी पुराना, सब चीज़ें पुरानी है, ये सब चीज़ सब पुराना है, इसी क्राउन का है, सिर्फ ये बेरिंग ये नया डला है और एक ये छोटा बेरिंग नया डला है।
मतलब कि देखो, एक तो वो बेरिंग नया डला है और एक ये बिखर रहा है ना, ये बेरिंग नया डला। सिर्फ दो बेरिंग नए डले हैं और इसकी सील नई डली है, और एक वो एक्सल का बेरिंग, वो तो हम इसलिए डाल रहे हैं, वो हल्का सा कट चुका था लेकिन बार बार में दिक्कत नहीं आया इसलिए वो भी डाल रहे हैं। वरना तो सिर्फ ये अंदर का इसकी बेरिंग डला है, क्रोन में कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ था, क्रोन बिल्कुल परफेक्ट था, ये देख लीजिए। और देखो वीडियो मैंने पूरी सेटिंग वगैरह की इसलिए नहीं बनाई दोस्तों, क्योंकि अभी ये मान के चलिए मैं बहुत तगड़ा यानी दिक्कत में हूँ अभी की, ये मान के चलिए, क्योंकि फिर भी मैं देखो वीडियो बंद नहीं करूँगा बनाना, क्योंकि मेरे जो लड़के लगे हुए थे ना दो, उन लड़कों को जो और मैकेनिक है ना, उन्होंने भड़का दिया, मतलब यानी ज़्यादा पैसों का लालच देकर उनको उनकी तरफ कर लिया, मतलब हटवा दिया मतलब दुकान से, तो वो लड़के भी जा चुके हैं, तो अभी फ़िलहाल मैं अकेला हूँ। तो दोस्तों अभी थोड़ी परेशानी है इसलिए वीडियो बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन जितना हो सका ना मुझसे मैं आप लोगों की पैसे बचाने की कोशिश करूँगा, किसी को भी फालतू पैसे नहीं लगाने दूँगा आपकी गाड़ी में, चाहे कोई भी मैकेनिक हो जो चीट का काम करता है, उनको किसी को भी नहीं लगाने दूँगा, ये मेरा काम और ये मैं करूँगा। दोस्तों ये हम गाड़ी ले आए हैं रोड पर, क्रोन कम्प्लीट है, अब मैं आपको चला के दिखा देता हूँ गाड़ी, यानी कि पहले ये पोजीशन थी दोस्तों कि गाड़ी के, यानी अगर कोई रोड पर खड़ा भी है ना, जैसे मान लो एक गाड़ी खड़ी ना, अगर इतनी दूर भी कोई रोड पर खड़ा है ना, तो वो भी यूँ बोलता था कि इतनी भयंकर आवाज़ आ रही है, बहुत भयंकर। और आप देखो ये देखो इतनी प्यारी चल रही है गाड़ी, और ये देखिए कोई आवाज़ नहीं बिल्कुल भी, जैसे ओरिजिनल कंपनी से आती ना वो आवाज़ है गाड़ी की, ये देखो इतनी प्यारी चल रही है, सिर्फ ये हवान की आवाज़ आ रही है, जो ओरिजिनल जो सीसर उतारने पर रहती है ना हवा, 1% ही आवाज़ नहीं है, ये मान के चले ग्राहक को भी एक बार तो मज़ा आ जाएगा, यानी ग्राहक का दिल खुश हो जाएगा ऐसा काम करके दिया है मैंने, मज़ा आ गया यानी कि। और दोस्तों ये है ना इतनी सी चीज़, क्या दोस्तों ये इतनी सी चीज़, मतलब एक यानी कि सिर्फ छोटे से बेरिंग, क्या दोस्तों लोग बाग आपको क्रोन ख़त्म बता देते हैं। अब ये गाड़ी वाला ईमानदारी से बता रहा हूँ, देखो इस गाड़ी वाले को यानी क्रोन वगैरह ख़त्म बताया था, यानी कि देखो पूछने में नहीं भेजा था, मेरे पास आया था, इसमें बोला भयंकर आवाज़ आ रही है ये वो, यानी गाड़ी वाले ने मेरे को पूछा तो मैंने बोला, मैंने कहा अभी मेरे पास टाइम नहीं, क्योंकि क्या है दोस्तों मेरे साथ एक चोट हो चुकी है, वो ये है कि मैं जो हमारे यहाँ के लोकल लोग हैं ना, उन्होंने मेरे लड़कों को भड़का दिया, क्योंकि मैं क्या वो मेरे को यूँ बोलते हैं सभी कि तू वीडियो डाल लेकिन उस पर डिटेल मत बता, कितने का क्या काम होता है, कितने का क्या काम नहीं होता, नहीं उनको प्राइस मत बताया सामान की, इनकी सारी क्लियर चीज़ें मत बताया, मतलब यानी यूँ बोलते हैं। मैंने उनको मना कर दिया, मैं भाई डालूंगा मैं तो सारी चीज़ सच्चाई बता कर डालूंगा, तो अब मेरे लड़कों को भड़का दिया, अब मेरे पास इस वक्त एक भी लड़का नहीं है काम करने वाला, मैं अकेला करता हूँ, मैं एक छोटी सी दुकान है उससे मेरा काम कर रहा हूँ, और मैं सारे चीज़ें एक छोटी सी दुकान से कर रहा हूँ, जितने भी बड़े यानी दुकानदार हैं जो अभी ये मान के चलो बड़ी बड़ी मशीनें लगा कर बैठे हैं, वो सब उन सबको मेरे से प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं एक छोटी सी दुकान से उन सबका पर्दाफाश कर रहा हूँ इसलिए। लेकिन मैं वीडियो बनाना नहीं छोड़ूंगा, पहली बात तो ये क्लियर, और ये मैं जानता हूँ वो भी इस वीडियो को देखेंगे, इसीलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं वीडियो बनाना नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, अकेला काम करना पड़े तो भी करूँगा, कम कर लूँगा काम, पर वीडियो बनाना नहीं छोड़ूंगा, और सारी डिटेल और बताऊँगा हर एक चीज़ की। अब जैसे कि इस गाड़ी के अंदर मैंने क्रोन का काम किया है दोस्तों, अब मैंने दूसरे मैकेनिक के भेजा था इसको, मैंने ट्राई करिया, देखा क्या बताता क्या नहीं बताता, तो इसको क्रोन ही ख़त्म बताया, यूँ बोला ना सेकेंड हैंड आ जाएगा 5-6 हज़ार का और नया आएगा 11 हज़ार का, बताओ आप कहो तो मंगवा कर डाल दूँ सेकेंड हैंड कबाड़े में से। मैंने कहा यार, अब फिर जब मेरे पास आया ना ग्राहक, दोस्तों मैं ईमानदारी बोल रहा हूँ, मैंने इसके दो बेरिंग चेंज किए, और जो एक्सल वगैरह का बेरिंग है देखो ये तो क्रोन में गिनो ही मत, वो तो मैं मान के चले थोड़ा डाउटफुल था इसलिए मैंने हटा दिया, बाकी इसमें अगर रियलिटी में देखा जाए ना तो सिर्फ दो बेरिंग और एक गियर ऑयल का खर्चा है बस, और बाकी मेरी मजदूरी, भाई मेरी मजदूरी और दो बेरिंग, यानी काफ़ी सस्ते में काम हो गया ग्राहक के, अभी मैंने जुड़वाया नहीं है इसलिए मैं एग्जैक्टली बता नहीं सकता आपको कितने में हो गया, शायद टोटल 2000 के आसपास होगा, तो इतने में ग्राहक का काम हो गया, और ऐसा काम करके दिया है कि बिल्कुल नई गाड़ी की तरह आवाज़ बनेगी गाड़ी की, बस थोड़ा सा देखो फ़र्क है ना, जो सेटिंग होती है ना यानी क्रोन के अंदर की, वो बेरिंगों की इनकी वो जो सेटिंग नट आते हैं ना, उनसे सेटिंग मिलाने की बात होती है, मैं मिलाता हूँ, मेरे हाथ से काफ़ी बढ़िया मिली, अब जैसा आप किसी मैकेनिक के करवाओ
तो यही है बस, सेटिंग थोड़ी अच्छी मिलवा लो, बाकी बेयरिंग ओ के अलावा अगर मान लो आपको यूँ बोलें भाई पूरा क्रोन खत्म है, पूरा क्रोन जब खत्म होता है जब स्टार चौकड़ी टूट जाए और गिरारी वगैरह टूट जाए, अगर ऐसी आवाज़ वगैरह आ रही है तो ये मान के चलिए पूरा क्रोन खत्म नहीं होता है। छोटा प्रोसेस याद रखना दोस्तों, हमेशा होता है कुछ ना कुछ, अगर कोई चीज़ टूटी गई है तो उसमें तो कोई वो नहीं है, बाकी अगर कोई चीज़ टूटी नहीं है तो छोटा प्रोसेस होता है मैकेनिक लाइन में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब गाड़ी को शॉप पर ले जाते हैं, और भी मेरे को काम है, मैं वो काम भी करूँगा। तो सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों, क्योंकि आगे भी ही मैकेनिकल जो भी पब्लिक प्रॉफिट की वीडियो वो इस चैनल पर आती रहेंगी, और लाइक ज़रूर कर दे दोस्तों वीडियो को, और शेयर ज़रूर कर दे ताकि और लोगों को भी इन चीज़ों का पता लग जाए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।